हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऑयल के बारे में जो कि बहुत 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 ज़्यादा यूज़फुल रहा मेरे लिए। तो इसीलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है और अगर आपको जानना है और देखना है कि क्या है तो आप देखते रहिए मेरा वीडियो। और अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो वो बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा और मैं और भी वीडियो आपके सामने लेके आ सकती हूँ। तो हाँ, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये है विल्वा का रिवर्स बैल्डिंग हेयर ग्रोथ ऑयल जो कि मैं विल्वा वेबसाइट से ख़रीदी हूँ। मैं इतना ज़्यादा इससे प्रभावित हुई हूँ कि मैंने दूसरा बॉटल भी ख़रीदा मेरे फैमिली के लिए और वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये 100 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर पैकेजिंग में आता है और बाकी सारा डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। 100 मिलीलीटर 650 रुपीज़ में अवेलेबल है और जो 200 मिलीलीटर का पैकेजिंग है वो 1180 रुपीज़ में अवेलेबल है। थोड़ा महंगा है पर अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है और आपको हेयर फॉल हो सकता है। पर मैं जो ये ऑयल इस्तेमाल की हूँ तो इससे मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आप देख सकते हैं कि मेरे को छोटा छोटा बेबी हेयर्स हुआ है सामने की तरफ, जहाँ कि थोड़ा मुझे बैड पैच दिख रहा था पहले, अभी थोड़ा बेबी हेयर्स हुआ है और पूरा मेरे स्कैल्प में थोड़ा थोड़ा बेबी हेयर्स मुझे हुआ है, जो कि इस वीडियो क्लिप में बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है। बट ये मेरा पर्सनल एकदम डिस्क्लेमर है कि हो सकता है कि आपको ये सूट ना करे, बट मुझे तो बहुत सूट किया। तो अब मैं दिखाने जा रही हूँ कि ये मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए, इस तेल को मैं हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करती हूँ और ये मैं रात को लगा लेती हूँ और रात के लगाने के बाद सुबह में इसको शैम्पू से धोती हूँ। तो मैं जनरली ऑफिस के बाद रात के टाइम में ये लगाती हूँ अपने बालों पे। तो पहले मैं बाल में कंघी नहीं करती हूँ, ये तेल लगाने के बाद ही मैं बालों में कंघी करती हूँ। तो पहले मैं अपना हेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ और मैं जनरली ये पतला कॉटन स्ट्रिप यूज़ करती हूँ तेल लगाने के लिए। मैंने देखा है कि ये जो पतला कॉटन स्ट्रिप आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा ऑयल, आपका पूरा जो ऑयल है कॉटन में वो पूरा आपका स्कैल्प में ट्रांसफ़र हो जाता है और कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे करके अपने स्कैल्प में पूरा एक तरह से पूरा लगाने का कोशिश करती हूँ। मैं कोई बॉटल या कटोरी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ कि उसमें पोर करूँ और फिर उसमें ऑयल थोड़ा वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली अपने बॉटल से ही अपने कॉटन पैड में लगा के फिर मैं पूरा स्कैल्प में उसको इस्तेमाल करती हूँ, आप जैसे कि देख सकते हैं इस वीडियो क्लिप में। तो ये जो ऑयल मैं लगाती हूँ इसमें पम्पकिन सीड ऑयल है। तो पम्पकिन सीड ऑयल एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये आपका हेयर फॉलिकल्स को ओपन करता है और उसी लिए आपका न्यू ग्रोथ होने का चांस ज़्यादा जाता है। इसमें निगेला सटाइवा और वर्जिन ब्लैक सीड ऑयल है जो कि आपका हेयर को स्ट्रेंथन करता है और मॉइस्चराइज भी करता है। इसमें ग्रेप सीड ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, आमंड ऑयल है, विटामिन ई ऑयल है, रोजमेरी ऑयल है, पेपरमिंट ऑयल है। तो अपना स्कैल्प में ऑयल लगाने के बाद मैं अपना स्कैल्प को मसाज करना शुरू करती हूँ। तो उसके लिए मैं पहले अपना फिंगर टिप्स को ग्रीस कर लेती हूँ ताकि मेरा मसाज के चलते मेरे को कोई हेयर फॉल ना हो। तो हम लोगों का जो स्कैल्प है उसमें बहुत सारा प्रेशर पॉइंट्स है और जो कि नर्व एंडिंग्स है उसको हम लोग स्टिमुलेट कर सकते हैं अपना स्कैल्प मसाज से। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इस वीडियो में मैं अपना पूरा स्कैल्प को अच्छा से मसाज कर लेती हूँ। तो आप बहुत सारा पॉइंट्स जो है एकदम जो टिप ऑफ द हेड है उसमें आप मसाज कर सकते हैं। फिर कान के पीछे एक पॉइंट है जो कि आपको थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए आप उसको मसाज कर सकते हैं। फिर ऐसे करके मैं पूरा स्कैल्प को अच्छा से मसाज कर लेती हूँ ताकि मैं पूरा एकदम रिलैक्स हो सकूँ और मेरा हेयर फॉलिकल्स जो है वो पूरा एकदम स्टिमुलेट हो सके। और एक चीज़ जो मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ वो है कि इन्वर्टेड आपका हेड पोजीशन, जो कि क्या है आपका जो एकदम टिप ऑफ द हेड है उसमें ब्लड फ्लो थोड़ा कम होता है और जो मेल पैटर्न बैलेंस या फीमेल पैटर्न बैलेंस वहाँ पे शुरू होने का चांस ज़्यादा रहता है क्योंकि ब्लड फ्लो थोड़ा कम रहता है इसीलिए। तो आप ये इन्वर्टेड टेक्निक करने के वजह से आपका ब्लड फ्लो उस टिप पे जाएगा और इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि ये वाला स्टेप भी आप ज़रूर करें और आपका हेड को इन्वर्टेड पोजिशन में रख के फिर थोड़ा सा मसाज करिए। तो ये सब होने के बाद मैं अपना बालों को कंघी करना शुरू कर लेती हूँ और इसके लिए मैं नीचे से कंघी करना शुरू करती हूँ ताकि आपका हेयर लॉस कम हो। जिसके पास लंबे बाल हो वो नीचे से हेयर को कंघी करे ताकि थोड़ा डिटैंगलिंग में ज़्यादा बाल ना गिरे और नीचे से धीरे धीरे करके ऊपर तक आप डिटैंगलिंग कर सकते हैं।
कंसिस्टेंसी है वो नाइदर थिक है नॉर थिन है, तो इट इज़ अ लाइट ब्राउन कलर्ड ऑयल। तो ये था मेरा वीडियो अबाउट दिस ऑयल, और मुझे लगता है कि आपको ज़रूर ये ऑयल एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैं इवन अपने फैमिली वालों को इंस्पायर करती हूँ कि हाँ ये ऑयल ट्राई करो और यूज़ करो। और मैं और एक वीडियो लेके आऊँगी कुछ महीने बाद, अगर जैसे कि मैं 7-8 महीने बाद और एक वीडियो में लेके आऊँगी इसके बारे में, ताकि मैं पूरा पूरी फुल रिव्यू दे सकती हूँ आपको। तो हाँ, ये था मेरा वीडियो और आज के लिए यही था। तो हाँ, चलिए, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।